आज हम स्ट्रेटजीज ऑफ अडेप्टेशन इन एनिमल्स करेंगे, जो हमने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर, उन सब का इफेक्ट अब एनिमल्स पे क्या होता है और एनिमल्स उन सब की चेंजेस से अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो है स्ट्रेटजीज ऑफ अडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स जो है उनकी सबसे जो बड़ी अडेप्टेशन है दैट इज केमोफ्लाज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ा भी होगा आपने लोअर क्लासेस में। केमोफ्लाज, केमोफ्लाज क्या होता है? फिनोमिना ऑफ ब्लेंडिंग विद एनवायरमेंट। और सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीजों को देखकर बिल्कुल वैसा ही उनमें ब्लेंड हो जाना, क्योंकि आपका जो है कलर, आपका साइज, आपकी शेप, किसी भी तरीके से अगर आप कोई भी एनिमल जो है वो अपने सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड हो जाता है तो ये फिनोमिना कहलाता है कैमोफ्लेज। जैसे ग्रास होपर, ग्रास होपर जो है वो बिल्कुल लीफ के जैसा बन जाता है, जब वो किसी स्टेम पर होता है तो वो बिल्कुल लीफ जैसा अपने आप को अपीयर करता है ग्रीन होने की वजह से। ऐसे ही कई सारे इंसेक्ट्स हैं, कई सारे जो हैं बटरफ्लाई हैं, इसके अलावा एक लीफ इंसेक्ट आता है वो दिखने में भी बिल्कुल लीफ जैसा होता है। तो ये सब जो है एग्जांपल है कैमोफ्लाज का। तो एनिमल्स जो है वो अपने सराउंडिंग्स में मर्ज कर लेते हैं अपने आप को कई तरह की, ये भी एक जो है एबायोटिक फैक्टर से बचने का एक तरीका है। सेकंड इज मिमिक्री। मिमिक्री होता है किसी की कॉपी करना। अगर हम डेफिनेशन देखें तो मिमिक्री इज रिजेम्बलेंस ऑफ वन एनिमल, रिजेम्बलेंस ऑफ वन एनिमल विद अनदर। एक बात ध्यान रखनी है हमने इस चैप्टर में कि ये जो टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं हमने स्कूल में पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, बट स्टिल आप लोगों को इसकी जो डेफिनेशंस हैं पर्टिकुलर वो एज इट इज ही याद करनी है, इसको अपनी लैंग्वेज में नहीं बनाना है। रिजेम्बलेंस ऑफ वन एनिमल विद अनदर सो एज टू कंफ्यूज थर्ड एनिमल एज टू इट्स आइडेंटिटी। एक एनिमल का दूसरे एनिमल से रिजेम्बलेंस होना, यानी कि उसके जैसा दिखना, क्यों ऐसा दिखना, दूसरे की जैसा क्यों दिखना, ताकि एक तीसरे एनिमल को कंफ्यूज कर सके कि ये कौन सा एनिमल है, वो सोचता ही रह जाए। तो जो एनिमल जो है दूसरे से रिजेम्बल कर रहा है उसे हम बोलेंगे मिमिक। जो एनिमल दूसरे के जैसा दिख रहा है और जिसके जैसा वो दिख रहा है दैट इज नोन एज मॉडल। मॉडल जैसा मिमिक जो है अपने आप को बना लेता है। ये जो मिमिक्री है ये दो टाइप की होती है, एक होती है बेटेसियन मिमिक्री और दूसरी है मुलेरियन मिमिक्री। बेटेसियन एंड मुलेरियन मिमिक्री। बेटेसियन मिमिक्री में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जब रिजेम्बल करता है अपने आप को तो वो अपने आप को क्या बना लेता है, जो अनपैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है जो बहुत स्वाद हो, अच्छा लगे। अनपैलेटेबल मीन्स विच इज नॉट गुड इन टेस्ट। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है, सपोज ये ऑर्गेनिज्म नंबर वन है, इट इज अनपैलेटेबल, ये टेस्टी नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑर्गेनिज्म अगर खाने में कुछ चाहता है तो उसको ऑर्गेनिज्म नंबर वन पसंद नहीं आता, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म नंबर टू है वो खाने में उसको टेस्टी लगता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म नंबर टू अपने आप को ऑर्गेनिज्म वन जैसा दिखाएगा तो ऑब्वियसली थर्ड वाला एनिमल कंफ्यूज हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही यहां पर करती हैं बटरफ्लाईज। एक बटरफ्लाई है वाइसरॉय बटरफ्लाई, वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है इट इज पैलेटेबल। तो जो भी इसके जो ऑर्गेनिज्म है, जो इसका शिकार करते हैं, जो इसको खाते हैं, जो इसके जो है बर्ड्स हैं कुछ भी, वो वाइसरॉय बटरफ्लाई को बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं, उनको टेस्टी लगती है। ठीक है, लेकिन जो है ये वाइसरॉय बटरफ्लाई ना ज्यादातर बच जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये मिमिक्री करती है और अपने आप को दिखाती है मोनार्च बटरफ्लाई जैसी। मोनार्च बटरफ्लाई क्या है, मोनार्च बटरफ्लाई थोड़ी टॉक्सिक होती है खाने में, इनको बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती है। कुछ इसके अंदर इरिटेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो बर्ड्स को पसंद नहीं आते हैं और इंसेक्ट्स को पसंद नहीं आते, बड़े इंसेक्ट्स को। इसीलिए वाइसरॉय बटरफ्लाई जब अपने देखती है कि कोई मेरा शिकार करने आ रहा है या उसको कहीं लगता है कि सेफ नहीं है, तो वो मिमिक्री करके मोनार्क बटरफ्लाई जैसी अपने आप को दिखाती है। मोनार्क बटरफ्लाई विच इज हाईली अनपैलेटेबल, जो खाने में वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो अपने आप को सरवाइव करवा लेती है। तो इस तरह की ब्रिटेशियन मिमिक्री में क्या हो रहा है कि जो मिमिक है, जिसने मिमिक्री करनी है, वो पैलेटेबल है और जो मॉडल है इट इज अनपैलेटेबल। ठीक है, तो एक ने अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को डिसटेस्टफुल यहां पर शो किया है। मुलेनियम मिमिक्री में क्या होता है, इट इज म्यूचुअल रिजेम्बलेंस। बिटवीन टू डिसटेस्टफुल, अब यहां पर दोनों ही टेस्टी नहीं है। बटेशन मिमिक्री में क्या था कि एक जो है वो पैलेटेबल है और एक अनपैलेटेबल है। मिलेनियम मिमिक्री में दोनों ही टेस्ट अच्छे वाले नहीं है, दोनों ही एनिमल एक जैसे ही डिसटेस्टफुल है। अब ये क्या करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की रिजेम्बलेंस करते हैं, सो एज टू एनहांस, फिर भी एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं ताकि ये एनहांस कर सके देयर चांसेस ऑफ नॉट बीइंग प्रेड। अब है दोनों ही डिस्टेस्टफुल, दोनों का ही शिकार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे की नकल करते हैं, एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं कि शायद अगर मैं उसके जैसा दिखूं तो शायद मैं बच जाऊं। तो ऐसा करती है क्वीन बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई, क्वीन एंड मोनार्क बटरफ्लाई दोनों ही डिस्टेस्टफुल हैं, लेकिन अपने शिकारी से बचने के लिए दोनों ही जो है एक दूसरे की करती है। अगर क्वीन को खाने आ रहा है तो वो मोनार्क जैसी दिखती है, मोनार्क को वो शिकार करने आ रहा है तो वो क्वीन बटरफ्लाई जैसी दिखती है, हालांकि दोनों में से ही पॉइजनस केमिकल्स निकलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एनिमल्स इनका शिकार कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए ये मिमिक्री करते हैं। तो दो तरह की मिमिक्री होगी, बेटेसियन जिसमें एक जो है वो पैलेटेबल है, जिसको कोई भी शिकारी खाना पसंद करता है, और दूसरा अनपैलेटेबल है, जिसको खाना नहीं पसंद करते। तो वाइसरॉय जो कि पैलेटेबल है वो मोनार्क बटरफ्लाई जैसी दिखती है। मोनार्क बटरफ्लाई जैसे ही डिसटेस्टफुल, एक और क्वीन बटरफ्लाई है, और ये दोनों फिर भी कोशिश करती हैं बचने की कि अगर हम एक दूसरे को दिखा दें तो शायद हम बच जाए। दिस इज मिमिक्री। थर्ड जो अडेप्टेशंस एनिमल्स रखते हैं उसमें आती है वार्निंग कलरेशन। वार्निंग कलरेशन, वार्निंग कलरेशन क्या है कि अपना कलर जो है वो एक वार्निंग की फॉर्म में बाकियों को जो है उसके बारे में इंफॉर्म कर देना। एक तरह के फ्रॉग्स होते हैं डार्ट फ्रॉग्स, ये डार्ट फ्रॉग्स जो है ये रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले ये डार्ट फ्रॉग्स जो हैं ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं,
और इनका कलर जो है वो बहुत ही ब्राइट होता है। ब्राइटली कलर्ड होते हैं और पॉइजनस होते हैं डार्ट फ्रॉग्स। अब ऐसे इतने डार्क कलर वाला अगर कुछ भी होगा तो कोई भी एनिमल इनको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि इतने डार्क कलर वाला यही होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये क्या करते हैं, ये अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए दिस इज वार्निंग कलरेशन। और इनके कलर चेंज करने से बाकी इनके स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनको भी आइडिया हो जाता है इसका मतलब कोई शिकारी है जो हमारा शिकार कर सकता है। इसीलिए एक फ्रॉग ने कलर चेंज किया है तो सभी अपना कलर चेंज करके वहां से बचने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अडेप्टेशन है। नेक्स्ट है इको लोकेशन। नेक्स्ट जो है अडेप्टेशन है इको लोकेशन। इको लोकेशन क्या है, ये प्रिंसिपल एक है सोनार एनर्जी, इस पर काम करता है कि साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करती है कुछ फ्रिक्वेंसी पर और उन साउंड वेव्स को जो है इकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके थ्रू एक एनिमल दूसरे एनिमल को बाकी कई सारे अपने ग्रुप को इन्फॉर्म कर देता है कि उस जगह पर खतरा है। ज्यादातर जो बैट्स हैं वो ये काम करते हैं, वो इको लोकेशन के हिसाब से ही फ्लाई करते हैं। जहां जहां उनको इको मिलती है पॉजिटिव तो वो वहां पर जब वो फ्लाई करते हैं। अब इनकी जो साउंड वेव्स हैं जो निकालते हैं वो इकोस में कन्वर्ट होकर सारी तरफ जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर जाकर स्ट्राइक करती हैं। तो जो ये साउंड निकालते हैं उसकी इको बनती है और इको जाकर ऑब्जेक्ट्स पर स्ट्राइक करती है और यही ऑब्जेक्ट्स की जो इकोज हैं ये दूसरे एनिमल्स जो हैं वो इसको कैच कर लेते हैं और इस तरीके से वो बच निकलते हैं कि यहां पर जरूर कोई खतरा है, इसीलिए ऐसी इको बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल्स ने ये कुछ अडेप्टेशंस जो है वो बनाई हुई है अपने जो है शिकारियों से बचने के लिए। फिर है अडेप्टेशंस टू वाटर स्कैरसिटी। जैसे हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी से प्लांट्स जो है वो जीरोफाइट्स होते हैं जो फर्दर आगे फोर टाइप्स के थे। यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी को बचने के लिए जो सबसे अच्छा एग्जांपल आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, एनिमल क्या करते हैं, कैमल। कैमल के पास जो है ऑप्शन क्या होती है, वो एरिड एरिया में रहते हैं, थोड़ी ह्यूमिड सी हो या ड्राई कंडीशंस में भी रह लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैंगरू भी आ जाते हैं, वो भी जो है सिंपली जो है ऐसी ही चीजों पर रहते हैं जहां पर वाटर कम रहता है। रैट्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये सब एनिमल्स जो है वाटर स्कैरसिटी पानी की कमी में कैसे अपने आप को सरवाइव कराते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैमल्स की। कैमल्स क्या करते हैं कि जब इनको लगता है कि पानी कम है तो कैमल का सबसे अच्छा उसका एक क्या, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो कैमल जो है सबसे पहले क्या वो करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि कैमल को स्वेट यानी कि पसीना आता ही नहीं, तो जितना वाटर बॉडी के अंदर कंज्यूम किया गया है वो बाहर नहीं निकल पाता। 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर हो जाए तो भी कैमल को स्वेटिंग नहीं होती। इसके अलावा अगर ध्यान से देखा हो तो कैमल जो है गर्मियों में अपने नॉस्ट्रिल के साइज को भी छोटा कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, ताकि जो मॉइस्चर वगैरह है जो नोज को जो करने के लिए जो वाटर चाहिए वो भी कम यूज हो और ड्राई एयर कम से कम अंदर आएगी तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। इसके हिसाब से जो है उन्होंने अपनी एक्सेलेशन में भी चेंजेस लेकर आई हैं कि एक्सेल जो करते हैं उसमें वेपर्स वो नहीं निकालते हैं। कैमल्स जो है 40% बॉडी के अंदर पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, उसको भी वो जो है
टॉलरेट कर सकते हैं 40% अगर बॉडी के हिसाब से जितना पानी चाहिए 40% की कमी पर भी वो आराम से ही रह लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका यूरिन होता है हाईली कंसंट्रेटेड, उसमें वाटर वो कम से कम बाहर निकालते हैं। फिर अगर उनको पानी ना मिले तो उनकी फिसेस भी ड्राई होती हैं, उसमें भी बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं होती, एकदम ड्राई निकालते हैं ताकि जो फिसेस के साथ वाटर निकलना था वो भी बॉडी में बचा लिया जाए। इस तरह से करके एक जो कैमल है वो कई दिनों तक जो है बिना पानी पिए जो है वो रह सकता है एंड विदाउट पासिंग यूरिन। अगर इतनी डिहाइड्रेशन हो, इतना पानी की कमी हो तो ये यूरिन पास करते ही नहीं कई दिनों तक, और जब इनको पानी मिल जाए तो 10 मिनट के अंदर लगभग 80 लीटर वाटर जो है एक कैमल जो है वो एट अ टाइम कंज्यूम कर लेता है, और इसी 80 लीटर को वो अपने पास जो है वो रखता है अपनी ऐसी जरूरत के टाइम पर कि जब पानी नहीं होगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा। कैंगरूज और रैट्स क्या करते हैं? ज्यादातर ये जो है ये फीड करते हैं ड्राई सीड्स, दे फीड ऑन ड्राई सीड्स, सूखे हुए बीज ज्यादातर ये रहते हैं, और इनकी जो उससे जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो 10% और वाटर की रिक्वायरमेंट 90% उन्हीं सीड से ही कंप्लीट हो जाती है, तो इनको अलग से पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये पानी की कमी में भी, वाटर स्कैरसिटी में भी अपने आप को सरवाइव करवा लेते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेशन टू कोल्ड। अगर कोई डाउट हो तो आप बीच में से पूछ सकते हैं। अडेप्टेशन टू कोल्ड, जहां पर ठंड ज्यादा होगी ऐसे एरियाज में एनिमल्स क्या करते हैं? हाइबरनेशन, यानी कि विंटर स्लीप, ठीक है। और क्या करेंगे? उनकी बाहर जो लेयर होगी स्किन की वो थिक होगी, इसके अलावा उनके ऊपर एक मोटी फैट की लेयर होगी, ठीक है। और इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं हाथों और पैरों की, दैट इज पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, यानी कि वो सिकुड़ जाती हैं। इसके अलावा ये अपनी एक्टिविटी भी स्लो डाउन कर देते हैं। इसके अलावा इनकी जो हमने किया था एलन्स रूल, वो इन पे अप्लाई होता है, एक्सट्रीमिटीज छोटी होती हैं ताकि हीट लॉस कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे सील और व्हेल, ये लो टेम्परेचर को इस तरह से टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास और भी तरीके होते हैं, जैसे पहला तरीका है फ्रीज टॉलरेंट एनिमल्स का, फ्रीज टॉलरेंट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं? इनके सेल्स के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये कुछ जो है न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स रखते हैं। इनके पास यहां पर रहते हैं न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स। ये न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स जो है ये कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर 0 से भी नीचे है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो आइस बनाने का काम है वो ये न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स करते हैं। जो सेल्स के बाहर जो है न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स है वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में। अब इससे क्या है कि थोड़ा सा पानी जो है वो निकल जाता है और अंदर के जो स्किन है, जो अंदर की बॉडी है सेल की, वो सारी बची रह जाती है। अब इसके बाहर तो चाहे आइस है लेकिन अंदर जो है इंसुलेशन, आइस वेब खुद ही बाहर के टेम्परेचर से एक इंसुलेशन बना देती है जिसके कारण अंदर के प्रोटीन्स खराब नहीं होते। यहाँ पर आइस का मतलब हमारा ये नहीं है कि वो ठंडी है, आइस का मतलब है कि सब कुछ फ्रीज हो गया है, जम गया है, तो बाहर का जो भी टेम्परेचर है वो उनकी बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दूसरे तरह के जो है एनिमल्स हो सकते हैं फ्रीज अवॉइडिंग। ये तो हो गया कि अगर ठंड में है, रहना ही है ठंड में,
तो हम क्या करें, टॉलरेट कैसे करें, दूसरे जो फ्रीज को अवॉइड करते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होते हैं ग्लिसरॉल, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, साइटोप्लाज्म वगैरह, इन सब के अंदर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं ग्लिसरॉल और एंटी फ्रीज प्रोटीन्स के। तो ये सब क्या करते हैं, ये सारे सॉल्यूट्स जो हैं इनका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो काफी लोअर है, यानी कि 0 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर हो जाता है तो भी ये प्रोटीन्स जो है वो फ्रीज नहीं होते और ना ही बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर लो होने देते हैं। ऐसे फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स हैं आइस फिश एंड एंटार्क्टिक फिश। ये फिशेज जो है अपने अंदर माइनस टेम्परेचर पर भी अपने अंदर किसी भी चीज को जमने नहीं देती है। नेक्स्ट है अडेप्टेशन टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अडेप्टेशन टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर की बात करें तो 80 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे आर्की बैक्टीरिया टॉलरेट कर लेते हैं। इनके पास जो है इतना हाई टेम्परेचर को बियर करने के लिए इनके जो वॉल सेल वॉल है उसके अंदर कई तरह के मटेरियल्स होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अंदर के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते हैं। इसके अलावा कई ऐसे जो है फिशेज हैं जो कि सी के बॉटम पे रहती हैं, सी का बॉटम जहां पर ना तो लाइट है और वहां का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, प्रेशर वहां पर 100 times मोर, लैंड से 100 times ज्यादा जो है इनके पास जो है वो प्रेशर होता है। तो ऐसे एरिया में भी फिशेज जो है वो रह लेती हैं, उनके पास कुछ ऐसे एयर सैक्स होते हैं जिनसे कि वो बच निकलती हैं। इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर भी वो फ्लोट कर लेती हैं और खत्म नहीं होती हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स अगर अपने अंदर कुछ नहीं चेंज कर सकते तो वो क्या चेंज कर सकते हैं, अपना बिहेवियर, जैसे कि स्नेक्स। स्नेक्स जो है वो विंटर में बरो यानी कि खड्डा बनाकर वहां पर रहते हैं और अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं। डेजर्ट लीजर्स जिनकी बात हमने लास्ट लेक्चर में भी करी थी, वो कभी सन में तो कभी शेड में बार बार मूव करती रहती हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक जैसा रखने के लिए। तो ये थी सारी अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टुवर्ड्स एबायोटिक फैक्टर्स। थैंक यू।